शोक संतप्त सभी देशवासियों और उपस्थित महानुभाव, अटल जी हमारे बीच नहीं है, जीवन कितना लंबा हो यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन कैसा हो यह हमारे हाथ में है। और अटल जी ने ये जी करके दिखाया कि जीवन कैसा हो, क्यों हो, किसके लिए हो, कैसे हो। और जीवन सच्चे अर्थ में वही जी सकता है जो पल को जीना जानता है, और पल पल को जिसने जी करके जिंदगी को संवारा, सजाया और जन सामान्य के लिए खपा दिया, किशोर अवस्था से लेकर के जीवन के अंत तक शरीर ने जब तक साथ दिया, वे जिए देश के लिए, देशवासियों के लिए, उसूलों के लिए, सामान्य मानवी के अरमानों के लिए। और उस काल में राजनीतिक जीवन में जब राजनीति की मुख्य धारा के निकटवर्ती कोई अन्य विचार या व्यवस्था दूर दूर तक नजर नहीं आती थी, इतना ही नहीं, देश का एक लंबा कालखंड सार्वजनिक जीवन में, खास करके राजनीतिक जीवन में, छुआछूत का कालखंड रहा, अपमानित होने के पल पल प्रयास होते थे, झेलना पड़ता था, उपेक्षा, उपहास, अपमान, इन सारी मुसीबतों से बीच से एक विचार के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण होने के कारण, शून्य में से सृष्टि का निर्माण कैसा होता है उसे करने वालों में एक महापुरुष अटल बिहारी वाजपेयी, अग्रिम पंक्ति में उनका नाम है। इतना लंबा कालखंड विपक्ष में रहना और विचार की धार को कहीं खोट नहीं आने देना, लोकतंत्र के मूलभूत चिंतन को पूर्णतया समर्पित रहते हुए संसदीय लोकतंत्र की हर परंपरा का गौरव गान करते हुए जन सामान्य के लिए आवाज बनकर के जीना, और जब अवसर आया तो जीवन को उन सपनों को पूरा करने के लिए लगा देना। वे नाम से ही अटल थे ऐसा नहीं, उनके व्यवहार में भी रग रग में वो अटल भाव नजर आता है। 1998, 11 मई,
प्रोक्षण द्वितीय सारी दुनिया के लिए भारत का अणु परीक्षण चौंकाने वाला था और हिंदुस्तान में भी दशकों से तैयारी हो चुकी थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। ये अटल थे जिसके अटल निर्णय ने कर दिया। लेकिन 11 मई एक प्रकार से वो हमारे देश के वैज्ञानिकों की सिद्धि थी और अटल जी ने भी उसे वैज्ञानिकों को समर्पित किया था। लेकिन 11 मई को अणु परीक्षण के बाद सारे विश्व ने प्रतिबंध लगा दिए, सैंक्शन लग गए, बहुत बड़ी दुनिया हिंदुस्तान के खिलाफ हो गई। उस समय के हिंदुस्तान के हालात में किसी का भी रुक जाना, ठहर जाना, झुक जाना स्वाभाविक था। लेकिन ये अटल थे, 11 मई को पराक्रम अगर वैज्ञानिकों का था तो 13 मई को दोबारा उन्होंने अनुपरीक्षण कर करके विश्व को चुनौती दी थी कि भारत अटल है, भारत झुकने वाला नहीं है। और यही सामर्थ होता है जो विश्व के अंदर भारत की अपनी एक पहचान प्रस्थापित करता है। आज उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, उन तीनों राज्यों ने राज्य पुनर्रचना कैसे होती है, राज्यों के बीच में विभाजन कैसे होता है, किसी भी प्रकार की कटुता के बिना, व्यवस्थाओं के अंदर अफरा तफरी के बिना एक उत्तम तरीके से राजनीतिक मर्यादाओं के बीच सबको साथ लेकर के निर्णय करने की प्रक्रिया। और आज देश नतीजे देख रहा है कि तीनों राज्य अपने बलबूते पर राष्ट्र की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। वाजपेयी जी के दीर्घदृष्टा नेतृत्व और कर्तृत्व का यह परिणाम था कि हमें हमारे सामने इन तीन राज्यों को हम पनपते देख रहे हैं, बिना कोई संघर्ष के, बिना कोई कटुता के ये चीजें चल रही है। छुआछूत के शिकार अटल जी की सरकार बनी, 13 दिन चली, कोई साथ आने को तैयार नहीं था। कोई भी राजनीति से डिग जाता, हिल जाता, रास्ता छोड़ देता, लेकिन उन्हें अपने आप पर भरोसा था, देश के जन सामान्य पर भरोसा था, देश की आशा आकांक्षाओं की, अपेक्षाओं की जो लफ्ज थी, जिस पर उनकी पूरी ताकत से पकड़ थी, वे अटके नहीं, रुके नहीं। और जो कोई साथ नहीं चलने को तैयार था, देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। और भारत जैसे लोकतंत्र में रीजनल एस्पिरेशंस को ऑनर करते हुए सबको साथ लेकर के चलने की प्रक्रिया को प्रारंभ हुआ। और आज देश उन दो दिशा में लोकतंत्र को मजबूत बना रहा है, जहां कुछ दल एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं, कुछ दल दूसरी जगह पर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन इसको सफलतापूर्वक पार करने का काम वाजपेयी जी के दीर्घ दृष्टि के कारण हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदुस्तान कश्मीर को लेकर के जवाब देता रहता था, हर बार कश्मीर को लेकर के भारत को घेर लिया जाता था। ये वाजपेयी जी की दीर्घ दृष्टि थी, विदेश मंत्री के रूप में काफी अनुभव था,
विदेश के विषयों पर पार्लियामेंट में उनकी अपनी विद्वत्तापूर्ण बातें देश ने सुनी थी। जब उनको दायित्व मिला उन्होंने बड़ी कुशलतापूर्वक विश्व के पूरे नैरेटिव को बदल दिया। कश्मीर चर्चा से हट गया, आतंकवाद चर्चा के केंद्र में आ गया और विश्व को कौन आतंकवाद के साथ है, कौन आतंकवाद के सामने है, इस प्रकार से दुनिया को दो हिस्सों में सफलतापूर्वक बांट करके सारी विश्व को आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ लाने के लिए वो सफलतापूर्वक आगे बढ़े। अनगिनत गुड गवर्नेंस की बात हो, नेतृत्व की बात हो, दल को आगे बढ़ाने की बात हो, अनगिनत काम वाजपेयी जी ने किए। आज वाजपेयी जी हमारे बीच में नहीं है। मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ता हैं जिनको उनके साथ रह करके चलने का मौका मिला है, कार्य करने का मौका मिला है, उनके लिए खालीपन बहुत बड़ा है, लेकिन उनका पुण्य स्मरण करते हुए पल पल जिस प्रकार से वो जिए हैं उसे जी करके हम उन्हें आने वाले अपने कार्यकाल के दरमियान हमें ईश्वर ने जितनी भी जिंदगी दी है उस जिंदगी को उन सपनों को पूरा करने के लिए आहूत करने के लिए प्रेरणा मिलती रहे और हम उसको करें, यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। कोई कल्पना कर सकता है आज हिंदुस्तान में और जिस प्रकार की दुनिया है, 10 साल तक जो महापुरुष राजनीतिक मंच पर कहीं नजर नहीं आए, राजनीतिक मंच की चर्चा में कहीं ना हो, पूरी तरह अलिप्त, 10 साल सार्वजनिक जीवन में बहुत बड़े होते हैं। 10 साल तक एक गुमनाम अवस्था की जिंदगी के बाद उस व्यक्ति की विदाई को जिस प्रकार से देश ने श्रद्धा दी, जो सम्मान दिया, शायद ही कोई ऐसी घटना की कल्पना भी कर सकता है कि 10 साल के इतने बड़े अंतराल के बाद भी लोगों के दिलों पे इसी प्रकार से छाए रहना, ये अपने आप में उनकी जिंदगी का जीता जागता सबूत है। मैं श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए शब्दों के सहारे ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा, लेकिन कल एशियन गेम्स में जब हिंदुस्तान का एक बेटा 24-25 साल का बेटा बजरंग पुनिया गोल्ड मेडल जीतता है, भारत को पहला गोल्ड मेडल मिलता है, और मैं मानता हूं शायद बजरंग पुनिया ने कभी अटल जी को देखा नहीं होगा, कभी मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता है, और जब अटल जी सक्रिय थे तब बजरंग की उम्र 10-12 साल रही होगी। वो गोल्ड मेडल जीतने के बाद कहता है, मैंने आज कहीं पढ़ा कि मेरा ये गोल्ड मेडल मैं अटल जी को समर्पित करता हूं। मैं समझता हूं इससे बड़ी जिंदगी की ऊंचाई और सफलता कोई हो नहीं सकती है जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा दे रही है। ऐसे इस महापुरुष को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं।